ग्रामीण मस्जिद परिसर में चल रहे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई की प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। अदालत ने एएसआई को 15 दिन का और अवसर देते हुए 17 नवंबर की तिथि नियत कर दी है। गुरुवार को एएसआई की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय देने की अपील की गई थी। ज्ञानोपी मस्जिद परिसर स्थित दिवंगत सोमनाथ व्यास के तहखाने को डीएम को सौंपने की लंबित मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के लिए जिला जज ने 8 नवंबर की तिथि नियत कर दी। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिदा के अधिवक्ता अखलाक अहमद ने पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक की इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए दलील दी कि मुकदमे में सुनवाई के लिए पहले से 10 नवंबर की तिथि नियत है। प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा मुकदमे की जल्द सुनवाई करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वादी प्रतिवादी की बहस सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि नियत कर दी। एएसआई की रिपोर्ट 17 को आ जाएगी। दूसरी बात, एक हमने सूट फाइल किया था व्यास परिवार की तरफ से कि जगह पर हमारा कब्जा होना चाहिए, पूजा पाठ का अधिकार मिले और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर बना दिया जाए, उस पर कोर्ट जो है 8 तारीख को सुनेगी। दो बात, एएसआई ने 15 दिन का और भी अवधि मांगा है कि वो संपूर्ण परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे कर चुका है, अब उसका डॉक्यूमेंटेशन उसको लिपिबद्ध करना है। इस संदर्भ में उनको 17 नवंबर की तिथि मिली है, तब तक वो न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख दें। दूसरा, व्यास जी के तहखाने पे दोनों पक्षों को के आग्रह को सुनते हुए इसको आपात सुनवाई न मानते हुए जिला जज ने साफ कहा कि इस विषय पर 8 नवंबर को दोनों पक्ष अपनी बात विस्तार पूर्वक रखें, जिस पर हम युक्त संगत कोई निर्णय दे सके। और 15 दिन का समय केवल रिपोर्ट का है कि 15 दिन के अंदर आप अपने रिपोर्ट जो सर्वे किए हैं एसआई सर्वे उसको आप सबमिट करें। दूसरा जो है तहखाने का जो मामला था, क्योंकि मामला अर्जेंसी था, इसमें हम लोगों की मांग है इस पे जो तमाम साक्ष्य पड़े हुए हैं, उसमें सबूत पड़े हुए हैं, उस तहखाने में कोई विपक्षी उसको कब्जा न करे, इसलिए इसको देखते हुए डीएम को तब तक के लिए रिसीवर बना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने 8 नवंबर का समय दिया है कि 8 नवंबर को पुनः इस पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए या न किया जाए, इस संदर्भ में जो फैसला लेगा माननीय कोर्ट लेंगे। क्या जो ज्ञान ऑफिस मुकदमा पेश किया गया उसमें सबसे पहले तो जो एसआई द्वारा ये मांगा गया था 15 दिन का समय कि सर्वे पूरा मौके पर कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, 15 दिन का समय मांगा गया। जिला जज द्वारा 15 दिन का समय उनका स्वीकार कर लिया गया और एक तारीख निर्धारित कर दी गई 17/11। उसके बाद एक शैलेंद्र पाठक ब्याह परिवार द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया था, जिसमें था कि तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा कर सकता है, उसको रोकते हुए जिला जज को जिला अधिकारी को सुपारिश दे दिया जाए, उस पर छोड़ाई दिया गया था, क्योंकि पूर्व मौसम प्रार्थना मुकदमे में 10 नवंबर को डेट पड़ा था, इस पर डाइट दिया गया था। छोड़ाई के बाद जिला जज ने सुन लिया, सुनने के बाद 8 तारीख निर्धारित कर दिया गया और अंजुमन इंतजामिया को मौखिक रूप से कहा गया कि आप 6 तक आप सुपुर्दारी पर जो है जिलाधिकारी को जो सौंपने की बात हो रही है, इस पर आप आपत्ति 6 तारीख को दे देंगे।